हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और किसान अपनी फसल के साथ लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस सीजन मौसम ज्यादा ठंडा रहा, जिस कारण किसानों ने अपनी फसल को देरी से काटना शुरू किया और बीती 10 अप्रैल से किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचना शुरू हुए। वहीं आज सुबह हुई बरसात के कारण किसानों और मंडी प्रशासन को लगा था कि काफी मात्रा में गेहूं की फसल भीग जाएगी, लेकिन ज्यादातर गेहूं बोरियों में पैक होने के कारण उनको शेड के नीचे रखा गया, जिस कारण फसल भीगने से बच गई। जानकारी के अनुसार मंडी में शेड की पूर्ण व्यवस्था है, जिसमें फसल को भीगने से बचाया जा सके, लेकिन ज्यादा आवक होने से गेहूं को शेड के बाहर भी रखा गया है। वहीं मंडी में आए किसानों का कहना है कि अभी तक बरसात कम हुई है, जिस कारण गेहूं को नुकसान होने से बच गया। बारिश तो वैसे ना की बराबरी है जी, बारिश तो कुछ ज्यादा नहीं हुई। बाकी जिस तरह ज्यादा हो जाए तो यहाँ शेड के नीचे खटाने का कोई सिस्टम नहीं है जी, बहुत कम है। जब 5-4 ट्रेली और आ जाएगी वैसे फिर बाहर ही पीस जाए। बस जी क्या करना, फिर पीस जाएगी या टाट टूट देने पड़ेंगे जी, वो पक्का वो नहीं है जी। व्यवस्था ठीक नहीं है? हाँ, ये शेड वाली व्यवस्था थोड़ी गलत है, कम है सर। देखो जी अलग अलग झाड़ है, ये 20x22 का चल रहा है वैसे। हाँ ये लगभग ठीक है जी, रेट मिल रहा है पूरा? रेट तो ठीक है जी एमएसपी के हिसाब से। हाँ जी अभी तो रेट जो है वो ठीक मिल रहा है जी, आगे का पता नहीं जी, अभी तो फिलहाल तो ठीक है। गेट पास कट के आराम, गेट पास कट जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या जी सर, बारिश पड़ गई, बारिश में दिक्कत है ना, बारिश में दिक्कत है रही है जी, मौसम ख़राब हो रहा है, देखते हम जो साइड बहुत कम है। अच्छा बाकी यहाँ नुकसान तो हुआ, पिछड़े भी खेत मैंने लिया, वहाँ नुकसान है, यहाँ भी नुकसान है, बाकी ठीक है। फालतू तो ना, हाँ फालतू 100 ग्राम तोल रहे हैं कट्टे पिछा, जो करे भी बारिश मौसम सलाब आ जा फिर हमारा घटा गया। नहीं नहीं अभी कोई नुकसान नहीं है, बारिश अभी कम थी ना, बारिश के बाद देख कर फिर ले पिछले निकल रही 22-23 क्विंटल। हाँ नहीं झाड़ बढ़िया जी। हाँ जी फिर नुकसान है, खेत में खड़ी का नुकसान है, ज़्यादा बारिश होगी लेट बढ़ा की, वहाँ लेट बढ़ का जो दाना उसका पक्का फुल्ला का फिर बीत गया और वजन कम देगा। मंडी में ठीक है जी। वहीं मंडी सचिव नीरज भारद्वाज ने बताया कि अभी तक लगभग 1000 क्विंटल गेहूं मंडी में आ चुका है और 375 गेट पास कट चुके हैं, साथ ही गेहूं का साथ साथ उठाव जारी है। तक हमारे पास 19600 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है और जिसमें 375 गेट पास कट चुके हैं। लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से, संभावना है आज लिफ्टिंग का स्टार्ट करते हैं। बरसात हुई है, इतनी बरसात भी नहीं हुई, बाकी यहाँ व्यवस्थाएं ठीक थी, सारा माल शेड के अंदर था, जो बाहर था वो कवर्ड था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की नुकसान नहीं हुआ। आगे बारिश भी हुई तो आगे भी किसी कोई नुकसान नहीं होएगा, पूरा हमारे पास आर्थिक पास पूरे इंतजाम है, क्रेट्स तरपाले हैं ढकने के लिए, तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है, जहाँ क्रेट्स की आवश्यकता थी वहाँ क्रेट लगाए गए हैं, तो अभी तक कोई नुकसान की सूत्र मेरे पास नहीं आई है और कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि सुबह के समय हुई हल्की फुल्की बरसात के कारण मंडी में रखी फसल भीगने से बच गई। वहीं अगर आने वाले समय में बरसात तेज होती है तो ये मंडी प्रशासन और किसानों के लिए चिंता का विषय होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाले की रिपोर्ट।